पत्तेवाड़ा जंगल उहदे बिल्कुल ग्राउंड जीरो ते पहुंचे होए मेरे कैमरे दे पिछले पासे अगर मैं तुहानूं बाद च दिखाउणा वां उह सारा मत्तेवाड़ा दा पुराना इतिहासिक जंगल जिहड़ा साडे दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाल जुड़िया होया वा और ए जंगल मत्तेवाड़ा दा इस तरह ना घूम के हैदर जंगल ते छोटा मत्तेवाड़ा एक पूरा वड्डा जंगल है और इत्थे दसना बहुत जरूरी कि मत्तेवाड़ा जंगल नूं बचाउण लई इस लई वातावरण प्रेमी एनवायरमेंटलिस्ट आवाज उठा रहे ने क्योंकि पंजाब दे विच हुण केवल 6% जंगल कवर रह गया जिहड़ी ग्रीन बेल्ट पंजाब दे विच सिर्फ 6% रह गई है और इस इशू नूं वर्ल्ड वाइड लोग चाहुंदे ने कि जिहड़ा इत्थे पिछली सरकार ने प्रपोजल मैं कैटेगोरिकली क्लीयर करदा हां कि पिछली सरकार ने 2020 दे विच एक टैक्सटाइल पार्क बनाउण दी गल शुरू कीती इंडस्ट्रियल पार्क नाम दी गल शुरू कीती और उहदे लई इन्हां ने 950 एकड़ जमीन अक्वायर कीती जदों अक्वायर कीती ते सेखेवाल पिंड जिथे असीं पहलां हुणे हो के आए हां अते नाल जिहड़ा है एक इत्थे पिछे तुहाडे बिल्कुल पिछे बणिया होया वा एनिमल हस्बेंडरी दा बहुत वड्डा कैटल फार्म सीगा और काफ़ी वड्डा रकबा जिहड़ा सीगा ओह पोटेटो रिसर्च सेंटर सीगा आलूआं दी खोज कीती जांदी सी नवें बीज तैयार कीते जांदे सीगे इह 950 किला जमीन लैके और मेरे पिछे अगर मैं कहंदा तां बिल्कुल 100 गज ते इत्थे सतलुज दरिया दा तुसी बन है मतलब दरिया अंदरले पासे वग रिहा वा और ये सारी जमीन नूं तकरीबन 950 एकड़ हुण तुसीं एक बार कैमरा घुमा के दिखा सकते थोड़ी जगह दे पिछे और पिछे दूर जिहड़ा अगर थोड़ा ध्यान नाल दिखा दो कोई गल नहीं जिहड़ा पिछे नजर आ रहा सारा वह जूम कर दो मत्तेवाड़ा जंगल है और उत्थों शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता आ जिहड़ी जमीन सारी वेली पई है यह जमीन है जिहड़ी 950 एकड़ जमीन अक्वायर की धक्के दे नाल सेखोवाल दे पिंड दे 90% लोगों ने ग्राम सभा का मता पास करके इस एक्विजिशन के खिलाफ और परे दूर तक जंगल चल रहा वा और इस 90% ग्राम सभा सेखोवाल दे आम जनता ने जिहड़ा सीगा इहदा मता पास करके जमीन नूं अक्वायर करन दा सख्त विरोध किया इहदे बावजूद सरकार ने इसका एक्विजिशन का प्रोसैस नहीं छड्डिया जदों एक्वायर की जा रही सी जमीन आम आदमी पार्टी जिहड़ी सी इस वेले ओपोजिशन विच सी इसे जगह ते इसे सेखोवाल पिंड विच मेरे कोल सारे खड़े ने इत्थे लोकल सरपंच आ कुलदीप सिंह खहरा जी जिहड़े आवाज उठाउंदे रहे ने मनिंदर जी कितों चले गए विक्रम बाजवा जी जिहड़े कि इत्थों इलैक्शन लड़े ने सानेवाल तों कांग्रेस दे टिकट ते अते होर इसे ही जगह ते पहुंचे हरपाल सिंह चीमा जिहड़े अपनी फिंगर्स हटा लो कैमरा हरपाल सिंह चीमा पहुंचे लीडर ऑफ ओपोजिशन कुलतार सिंह संधवा आए बीबी सरबजीत कौर माणुके आई अपना वकील नाल लेके आए सेखोवाल दे पिंड दे इकट्ठ करके 90% बंदियां तों इह कहाया कि असीं इस जमीन 417 किले जिहड़ी साडे पिंड दी अक्वायर कीती है इहदे सख्त विरोध करदे आ इह जिहड़ी एक्विजिशन है रद्द कीती जाणी ते जंगल नूं बचाउणा हुण जंगल दी गल करना और इस भगवंत मान दा तुसीं सब ने सोशल मीडिया ते देख लिया उहने किस तरह नाल बड़ा डटमा विरोध कीता जदों ओपोजिशन सीगे ते हुण मैं दसणा चाहुंदा कि मत्तेवाड़ा जंगल जिहड़ा इत्थों बिल्कुल जमीन दे नाल नाल लगदा बॉर्डर दे उत्ते जंगल है सारा पिछे दरिया वा अगर इत्थे इंडस्ट्रियल पार्क लगता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगती टैक्सटाइल इंडस्ट्री लगती एदा एडा वड्डा पोल्यूशन का इफेक्ट होगा कॉन्क्रीट जंगल बनेगा सब तो पहला इस जंगल नूं तबाह करेगा एक मिनट जी प्लीज एक मिनट जी डोंट एक एक उलझन की लोड़ नहीं ए हुण आण के जाण के डिस्टर्ब कर रहे ने ए आम आदमी पार्टी दे एमएलए दा पीए है और ये को अपने भी पता लग रहा कि फॉरेस्ट की लैंड हैगी है और मैं कहना चाहना कि इन्ह सारिया ने जो मैं मत्तेवाड़ा जंगल की इंपोर्टेंस समझा रहा वा मत्तेवाड़ा जंगल अगर इंडस्ट्रियल पार्क बनता इतने सब तो पहला वह डिस्ट्रॉय हुंदा वा सब तो पहला वह डिस्ट्रॉय हुंदा वा और जंगल तो उजड़ेगा ये जदों इस सारे इंडस्ट्रियल पार्क का टैक्सटाइल पार्क का फार्मास्यूटिकल यूनिट का जिहड़ा पोल्यूटेंट निकलेगा गंदा पानी निकलेगा वह सारा सतलुज दरिया दे विच पवेगा यह सारा ना जी फ्लड प्लेन एरिया कहिंदे ने इहनूं यह ग्राउंड रीचार्ज दे विच हैल्प करदा जो सतलुज दरिया च पानी आउंदा यह सारे लुधियाणे दे इहनां पिंडां दे विच इत्थे लागे लागे सारा जिहड़ा है ग्राउंड वाटर रीचार्ज हुंदा ते जे इत्थे इंडस्ट्री लग गई सारा दरिया तबाह हो जाणा जिहड़ा बुढ़ा नाले नूं आपां क्यों रोंदे आ क्योंकि लुधियाने की इंडस्ट्री के डाइंग यूनिट्स ने सारा दरिया जिहड़ा वा पोल्यूट करता गंदला करता बुढ़े नाले का पानी जदों मालवे की धरती से जाता तो उत्थे
जहरीले पानी दे करके कैंसर हैपेटाइटस सारिया बीमारियां फैलिया। तो अगर हुण असीं राहों दे लागे इत्थे मत्तेवाड़ा जंगल तो सतलुज दरिया दे विच सारी इंडस्ट्री का पोल्यूटेंट पा देंगे, यह सारा जिहड़ा गंद है वह इत्थे शुरू च लुधियाने तो पहला ही सतलुज नूं इह पोल्यूट कर देगा तो वह जहरीला पानी मुड़ के मालवे की धरती ते जाएगा। और इत्थे नाल इह वी कहना बहुत लाजमी आ कि यह मसला शायद सानूं पता भी ना लगता विधानसभा दे विच। अज तो दो तीन दिन पहला जदों विधानसभा चल रही थी तो जिहड़ा इत्थे लोकल MLA है हरदीप सिंह मुंडिया उन्हें कॉल अटेंशन लाया कि मुख्यमंत्री साहब दसन के मत्तेवाड़ा की जमीन जी मत्तेवाड़ा का इंडस्ट्रियल पार्क कि छेती शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री साहब ने खड़ के पढ़ना शुरू करता कि आ भी मंजूरी देती असी आ भी प्रवानगी देती है इंडस्ट्री बहुत छेती लवावे और सारिया गल् जो कीतिया तो शायद वह छुपा रहे थे। जदों उन्होंने सेखोवाल पिंड का नाम लिया उस वेले ओपोजिशन का मठा थणकिया तो असी खड़ के उसका जबरदस्त विरोध किया और मैं उदन ही ऐलान करता सीगा कि असी मैं ग्राउंड जीरो ते जाऊंगा। अज असी बहुत सारे लोगों मिले हैं वातावरण प्रेमियों नूं मिले हैं जिहड़ी पब्लिक एक्शन कमेटी बनाई है जथेबंदियां ने रल के असी उन्हां नाल विचार चर्चा की है और जिहड़े पीड़ित लोग ने जिहड़े गरीब आदमी ने सिखोवाल पिंड की जिहड़े गरीब जनता वा जिन्हां नूं घरां वास्ते भी पैसा नहीं दिता गया जिहड़ा उन्हां दा उजाड़ा किया गया वा असी उन्हां नाल भी मुलाकात की है। इसलिए मेरी तो यह पुरजोर अपील हैगी कि तुसीं सरकार नूं इस नूं रिव्यू करना चाहिए। तुसीं अपने तुहाडे लीडर ने कुलतार सिंह संधवा स्पीकर ने विधानसभा च कहा कि एक मुद्दा मेरे भी दिल दे बड़ा करीब आ इस नूं रिव्यू करे सरकार। तुसीं जे साडी नहीं मननी तो घट्टो घट अपने स्पीकर की मन लो तो मन के वातावरण डिस्ट्रॉय ना करो पानी डिस्ट्रॉय ना करो। अगर इंडस्ट्री लगती भी आ दोस्तों मैं तुहानूं कहना चाहुंदा इत्थे इत्थे जिहड़ी हैगा नौकरी है इंपलॉयमेंट आ इत्थे पंजाबियों नूं इन्हां मुंडियां नूं नहीं मिलनी उह फिर बाहरों गैर पंजाबी आउणगे तो सारा जिहड़ा रुजगार हैगा उन्हां लोकां नूं दित्ता जाएगा। इहदा सानूं रुजगार का भी फायदा नहीं होना साडा उजाड़ा तो होना ही होना जंगल का उजाड़ा होना सतलुज का उजाड़ा होना वातावरण का उजाड़ा होना। इसलिए सारी गल का विरोध करने वास्ते अज असीं मत्तेवाड़ा के ग्राउंड जीरो से पहुंचे हैं। कुछ लोग इत्थे खलल पाउण की कोशिश करते मैनूं पता लग्या कि जिहड़ा हरदीप मुंडिया इत्थे पिंड वाले ने कंप्लेट किया तो सबजैक्ट टू इनवैसटीगेशन है कि इत्थे माइनिंग भी बहुत हुंदी आ कहिंदे कि चार पंज टिप्पर जिहड़े ओह इस MLA दे भी चल रहे ने लगातार जिहड़े इत्थों गैर कानूनी माइनिंग करके सारी लिंक रोड जिहड़ी ओह बची नहीं क्योंकि माइनिंग बेतहाशा सतलुज दरिया चों इत्थों रेता कढ़ के जिहड़े लोग ताकतवर ने ओह वेच देंदे ते अज भी चल रही आ। भगवंत सिंह मान नूं इहदे ते भी गौर करना चाहीदा ते भगवंत मान नूं याद रखना चाहीदा कि तुहानूं पंजाब दे लोकां ने मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता दी कुर्सी ते बहिण वास्ते नहीं बनाया जिहड़े उन्हां दे जज्बाती मुद्दे सीगे उन्हां मुद्दियां दे विच्चों एक बहुत वड्डा मुद्दा मत्तेवाड़ा दे जंगल दा जिहड़ा उजाड़ा है ते सतलुज दरिया दा जिहड़ा प्रदूषित होना वातावरण खराब होना यह तुहाडी बहुत बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी है और मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इस प्रोजेक्ट नूं स्क्रैप करोगे इस सारी हुई एक्विजिशन नूं रद्द करोगे इस नूं कुदरत दा स्टेटस रिस्टोर करोगे। इत्थे तुसीं निगाह नहीं मारी बहुत सारे जिहड़ा कैटल सीगा एनिमल हस्बेंडरी दा किन्ने पशु चर रहे ने हले भी चर रहे ने तुसीं उहनां दा जिहड़े कुदरती पशु ने तुसीं उहनां दी जिंदगी उहनां दी भी रोटी रोजी जिहड़ी तुसीं उह तबाह कर रहे हो। इस करके इस प्रोजेक्ट नूं जिन्ना जल्दी हो सके इस नूं रद्द किया जाए तो लोगों को राहत दी जाए। साढ़े नाल जुड़न वास्ते तुहाडा समूह पंजाब दे लोगों का विश्व भर चों मैं बहुत धन्नवाद करदा। 10 तरीक की कॉल भी है बाय द वे भुल चलिया सीगा 10 जुलाई नूं पब्लिक एक्शन कमेटी उन्होंने कॉल दी कि जिन्हें भी लोग वातावरण नाल प्यार करते हो मत्तेवाड़ा के इस बन्न के उत्ते गुरुद्वारा साहब दे विच उन्होंने पाठ शुरू करवाना उत्थे पहुंचो। मेरी भी हाथ जोड़ के सारे पंजाब दे विच बैठे लोगों नूं चाहे वह किसान जथेबंदियां ने चाहे वह वातावरण नाल जुड़ियां जथेबंदियां ने कि तुसीं कृपा करके 10 तरीक नूं आउणा मैं भी उत्थे पहुंचूंगा। मैं बतौर एक सधारण नागरिक मैं कॉल मेरे वालों नहीं ना है पोलीटिकल कॉल है ये कॉल पब्लिक एक्शन कमेटी वालों आपां पहुंच के तो इन्हां दी बांह फड़ीए अपने जंगल की बांह फड़ीए जिहड़ा साडे विरसे ते साडे इतिहास नाल भी जुड़िया होया वा ते अपने आम जनता की बांह फड़ीए ते अपना वातावरण ते अपना दरिया ते अपनी धरती इस नूं बचाउण दा उपराला करिए। आपां रोज़ जदों आनंद साहब का पाठ पढ़ते हैं उहदे शलोक भी पढ़ते हैं पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत धरती नूं बहुत उच्चा रुतबा दिता वा पानी नूं बहुत उच्चा रुतबा दिता गुरबाणी च हवा नूं बहुत उच्चा रुतबा दिता साडे गुरु साहिबान ने। आपां जे रोज़ अरदास तों पहलां आनंद साहब दे विच शलोक पढ़ते हैं तो उहदे ते अमल नहीं करते तो इहदा मतलब कि आपां फिर जिहड़ा है जपजी साहब का हैगा पर पढ़ते आनंद साहब के बाद च इस श्लोक नूं मैनूं पता जपजी साहब का है श्लोक पर आनंद साहब के पाठ विच अखीर विच आपां इस नूं पढ़ते हैं सो आपां उहदे ते भी पहरा सब ने देना तुहाडा सारिआं दा मैं बहुत बहुत ऋणी हां। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ IELTS ਤੇ PTE ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
IELTS speaking test ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਤੇ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਲ, ਹੁਣ ਸਟ्रेस ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। IELTS ਕੋਈ ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ IELTS ਦੇ PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.visionupgraded.in।